मालूम है बताओ कितनी होगी? 20 लाख। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसा आप लोग सब? आई होप सब अच्छे हो गए। भाई देख रहे ना, फ्यूल एकदम फुल करा दिए हैं और आज थोड़ा लंबा जा रहे राइड पे। मतलब 2 दिन के जा रहे हैं, आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों रिटर्न आएंगे। अब कहाँ जा रहा हूँ राइड में, क्यों जा रहा हूँ, पूरा आप लोगों को बताऊँगा डिटेल चलते चलते। हम लोग कितने लोग जा रहे हैं वो पहले बता देता हूँ। हमारे एक अंकित भी है जो जा रहे हैं ट्रेन से, जो कि निकल चुके हैं, और हम जा रहे हैं तीन या चार बाइकर से जो बाय रोड जा रहे हैं। और हम जा कहाँ रहे हैं वो थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ मैं। हाँ तो मैं बता रहा था कि हम जा रहे हैं, भाई गैस करना थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ अभी राजनगांव से आगे, उससे और आगे, मतलब बहुत आगे जा रहा हूँ, 250-250 किलोमीटर जा रहा हूँ। मतलब चलो बता ही देता हूँ, हम लोग जा रहे हैं नागपुर जा रहे हैं बाय रोड। भाई मौसम देख रहे हो ना, मौसम ना बहुत दिन से, मतलब 2-3 दिन से ख़राब है। बारिश गिर सकती है और थोड़ी देर में लगता चालू हो जाएगी। चलो जब हम लोग राइड में निकलते हैं तब बारिश गिरती है यार, यही बेकार लगता है मुझे बारिश के टाइम का, बाकी फिर भी ठीक है। और चलते हैं आगे, भैया लोग मिलेंगे। कीमत मालूम है? बताओ कितनी होगी? 20 लाख। 20 लाख बैठ के तो फोटो खींच दो ना हमारी, बैठ के का जगह के खींच जाएगा तुम्हारी। अरे वाह, हाँ क्या रहते तो 17-18। अरे रिमोट से उसका साइड स्टैंड निकलता है। कॉन्टिनेंटल जीटी 6 बाइक लेना है अभी, वो खड़ी है। सब फोटो खिंचा रहे हैं। जहाँ खड़े होते हैं वहाँ भीड़ लग जाता है। हमारी फैड वो है ऐसी, जहाँ खड़े होते हैं भीड़ लग जाती है, उसका टायर देख के भीड़ लग जाती है। चलते हैं भाई नागपुर, 230 किलोमीटर है यहाँ से। अभी पहुंच गए हम राजनगांव क्रॉस कर दिया आधा, और यहाँ थोड़ी बारिश चालू हो गई है जो कि नहीं होना चाहिए था। देखते हैं थोड़ा आगे जाके बंद हो जाएगी, यहीं पे थोड़े से बादल दिख रहे हैं ऊपर, तेज हो जाएगी तो रेनकोट पहनना पड़ेगा, और यहाँ बारिश हुई तेज है। देखो थोड़ा सा बस आगे निकले, अब बारिश बंद हो गई, यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं गिरी, वहीं पे बस बारिश थी थोड़ी सी, जिससे हम थोड़ा गीले हो गए हैं। ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो बारिश हो गई थी थोड़ी तेज, तो उन्होंने रुक के रेनकोट और रेन पैंट पहन लिया हूँ मैं, बैग को भी कवर चढ़ा दिए, भी लोग भी हो गए हैं पहन के रेडी, अब आगे चलते हैं। जैसे ही पहने हैं बारिश रुक गई। तो ये हमारी बाइक्स, 4 बाइक्स है, ये हम रुके थे हाईवे चौपाटी में, भी लोग जा रहे हैं अंदर वापस गैर पौने, और
निकलेंगे अब यहाँ से, आधा घंटा एक घंटा रुक गए यहाँ पे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट में रखिए, नाश्ता वास्ता थोड़ा सा खाएँ, हल्का हल्का खाते खाते ही जाएंगे तो सही रहेगा। भिलाई से लगभग हाईवे चौपाटी 90 किलोमीटर्स था और एक डेढ़ घंटा रुकने के बाद हाईवे चौपाटी से निकल रहे हैं, आराम से खाए पिए रेस्ट के पिए लोगों की। रायपुर से आए थे, रायपुर से 110-120 किलोमीटर्स हो गई है, भिलाई से कम ही है आगे, बस अब बारिश मत मिले यार, बारिश की ज़रूरत नहीं है यार पर मौसम को देखने से लग रहा है आगे तो बारिश मिलने वाली है, पर अब इतना दूर जाना है, अभी तो सिर्फ 90 किलोमीटर्स हुआ है, टोटल 250 किलोमीटर्स था भाई। अब देखो इतना अच्छा लग रहा है, पेड़ फूल लगे, भाई आज वो जो जंगल एरिया आ गया, यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में, अभी चेक किया पूरा जंगल ही जंगल है, फ्लाईओवर बन रहा है इसलिए हमें नीचे से जाना पड़ रहा है, नीचे का रास्ता देख ही रहे हो कितना घटिया है, हम तो ठीक है भाई फैट बॉय वाले भैया तो भाई यही बोले आ ही नहीं पाएंगे, इतना धीरे धीरे आना पड़ेगा उनको। ये देख रहे भाई इसी घटिया रोड की बात कर रहे थे लगता है भैया लोग, बहुत ही घटिया, तो हो गया ठीक, बार आगे लगा ट्रैफिक जाम है, उस तो गड़बड़ है, देखते हैं जाने मिलेगा कि नहीं आगे, क्योंकि आगे ट्रैफिक जाम है, देखो पूरा लाइन लगी पड़ी है, आगे चल के एक बार देखते हैं। आराम से ठीक है बड़ा, आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे। ओ भाई गड़बड़ हो गया यार ये, मेन गिरे कैसे ये भीड़ में, ये मिरर फोल्ड कर दी थी अंदर और गाड़ी दम मुड़ के ब्रेक फंस गया इसमें और गाड़ी डिस्बैलेंस होकर उधर गिर गई, इस वजह से गिरे हैं। चलो कोई नहीं, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बच गए। ट्रैफिक देखो इतना ट्रैफिक था, पूरा क्लियर हो गया, पता नहीं क्या जैसे ट्रैफिक था, जाम था, पूरा क्लियर हो गया, ट्रैफिक जाम था, ट्रैफिक क्लियर होते ही हम लोग निकले, मतलब थोड़ी देर वेट किए भैया का गाड़ी का थोड़ा ठीक हो गया निकले, और फिर यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो गया और हम फिर यहाँ फंस गए हैं। भाई सामने फैट बॉय खड़ी था, हमको तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई फ़ोटो खिंचाने के लिए, देखो यहाँ भी, अरे हमारी फ़ोटो तो कोई, हमारे साथ कोई फ़ोटो ही नहीं खिंचाता है कहाँ जा रहे हैं सर? नागपुर जा रहे हैं। नागपुर अभी कहाँ गए थे? अभी हम लोग भिलाई से आ रहे हैं, से भिलाई 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 खींचे, फोटो खींचे और दूर से मेरे कंधे फाड़ रहे, ताकि सब जा रहे हमारे
धन्यवाद सर, थैंक यू। थोड़ा अभी हम 136 किलोमीटर चले बस हैं, 118 किलोमीटर नागपुर गोंदिया, 45 नागपुर, 118 किलोमीटर और बचा है। बहुत बहुत धीरे चल रहे हैं, अभी 2:30 बज गए, मतलब 2:30 हो गया है दोपहर के। बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं, बहुत रुकते रुकते जा रहे हैं, कंटिन्यू चलते तो अब तक पहुँच भी जाते, बहुत ज़्यादा ही धीरे चल रहे हैं। और ये फिर ट्रैफिक जाम मिल गया है, क्या ही हो रहा है पता नहीं भाई, इतना भीड़। रुके ऑफ रोड होने के बाद अब फिर निकल गए यहाँ से, 93 किलोमीटर से नागपुर, 93 किलोमीटर ज़्यादा नहीं, एक घंटे डेढ़ घंटे में हो जाना चाहिए, जैसे अभी 3 बजने वाला है, 5 बजे से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे तो अच्छा है। देखता हूँ वहाँ पर जाके मैं कहाँ पर रुकूँगा, क्योंकि बी एल ओ होटल बुक किए हैं, बी एल ओ होटल में रुकेंगे, मेरा प्लान भी होटल में रुकने का भी है, या फिर मेरे रिलेटिव रहते हैं वहाँ नागपुर में उनके पास रुकने का, देखते हैं कहाँ पर रुकेंगे। गाड़ी में फ्यूल तो है अभी हाफ टैंक, फिर भी अपन फुल करा लेंगे। यहाँ पे पेट्रोल 106 रुपये 90 पैसा है, अपने वहाँ 102 है, ऊपर का डालना पड़ेगा, डालो ना। अब ये कौन सी नदी आई है पता नहीं, पर भाई कितना पानी भरा हुआ है भाई, कैमरे में पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। ओ भाई साहब, शाम के बज गए हैं 5 और भैया की गाड़ी में लगा दी है अपन, नेविगेशन गूगल मैप जो भी बोल लो, 24 किलोमीटर और है बोल रहे हैं, 24 किलोमीटर बोले कि 14 किलोमीटर में समझ नहीं, मेरा तो 24 ही होगा। ओके अभी 243 किलोमीटर और नागपुर एंटर होने ही वाले हैं अपन, कितना चेंज हो गया नागपुर यार। मैं जब आया था लास्ट टाइम तो ये कुछ नहीं बना था, ऊपर का भले वो ब्रिज शायद हाँ फ्लाईओवर ही बन रहा था, मेट्रो भी चलती है, मेट्रो को बन सकता है, हार्ले डेविडसन का शोरूम आ गए हैं। और ये रहे हमारे अंकित भैया सामने ही, और ये हमारा कावासाकी नागपुर। आप लोग को तो लाते डायरेक्ट सर्विस सेंटर में डाल दिए अंदर। तो अभी सर्विस सेंटर से निकल के जा रहे हैं, एक होटल मैंने देखा है अभी ऑनलाइन, वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि रिलेटिव के पास मन नहीं अब जाने का, मेरा प्लान चेंज हो गया, तो मैं होटल जा रहा हूँ, होटल में जाकर रुकेंगे आराम से, शायद यही होना चाहिए, मैं ऑनलाइन बुक कर दिया था, चेक करते हैं अंदर चल के। तो ये दो बेड है यहाँ पे, पर ज़रूरत नहीं मेरे को, ये एक हमारा छोटा सा रूम है, फटाक से मैंने ये रूम बुक किया ऑनलाइन और आ गया भाई। बहुत गर्मी लगी, देखो हालत देख रहे हो ना, अब बस थोड़ा सा गेरा उतारते हैं और फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद फिर बियर कॉल आता है, देखते हैं खाना वाने का प्लान, क्योंकि 7 बज गए और हम लोग कुछ खाए नहीं, मतलब खाए थे थोड़ा बहुत वो हाईवे चौक पार्टी में अपने छत्तीसगढ़ में, उसके बाद 10-11 बज रहा था उस समय, उसके बाद कुछ खाए थे नहीं, बस चाय पिया था। तो चलो चेंज कर लेते फटाफट।
यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो रही है अंकित भैया के हेलमेट की। अच्छे से पैकिंग किए देख रहे हो ना, वाइजर अलग से। इसमें दो तीन ठोकी है, इसमें तीन ठोकी है, तीन तीन वाइजर। हाँ बाइक तो अभी सबके लिए सरप्राइज है, कौन सी बाइक है बताया नहीं है। ब्लर बाइक है, हेलमेट पर दिख जा रहे हैं यहाँ पे। क्या है भैया ये बता, पहले ये है क्या? खाना तो खा लेंगे पर ये बताओ ये है क्या? अगर ये लोगो नहीं पता और बाइकर फैमिली से हो तो बेटा लोगो वो तो आप आए हो यहाँ से वापस ही जा पाए तो हम नहीं रिग्रेट कर रहे हैं।